घुटनों का दर्द यानी कि नी पेन। दोस्तों अगर आप अपने आसपास अपने आस पड़ोस में भी देखें तो 10 में से हर तीसरा या चौथा व्यक्ति आपको घुटनों के दर्द से परेशान मिलेगा। ये आजकल इस सेंचुरी की सबसे बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द। जी हाँ, हर व्यक्ति को कम उम्र में ही ये घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, जबकि कोई टाइम था जब ये घुटनों का दर्द एक उम्र के बाद आना स्वाभाविक था, पर आजकल अगर आप देखें तो 20-25 साल की उम्र में भी आपको लोग मिल जाएंगे जो घुटनों के दर्द से परेशान है। और धीरे धीरे ये घुटनों का दर्द नी ट्रांसप्लांटेशन के लिए यानी कि घुटनों को बदलवाने के ऑपरेशन तक पहुँच जाता है। पर अगर आज आपने मेरी एक बात मान ली, अपने दिन में सिर्फ 2 मिनट दे दिए, तो यकीन मानिएगा आप घुटनों की दर्द से राहत पा सकते हैं। ये मैंने कई लोगों को ये नुस्खा बताया और उनको इससे राहत भी मिली। तो मैं आज आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको दिन में सिर्फ 2 मिनट देने हैं और 2 मिनट ही देने के बाद आपके घुटनों के दर्द से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। और सबसे मज़े की बात कि इस इलाज के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, 1 सिंगल रुपया भी आपको नहीं खर्च करना इस घुटनों की दर्द से राहत पाने के लिए। नहीं तो लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनको घुटनों के दर्द से राहत नहीं मिल पाती, पर इस नुस्खे से आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है और आपको घुटनों की दर्द से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी अगर आपने ये वाली मेरी पूरी वीडियो देख ली और इसका अनुसरण किया। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपके इन घुटनों की दर्द का, वो है आपका खान पान। जी हाँ, आजकल का जो जंक फूड है उसको खाने से, जो भी बच्चा आजकल पिज़्ज़ा बर्गर पैटीज वगैरह खाता है उसको भविष्य में इन घुटनों की दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपकी चाल में थोड़ा बहुत भी फर्क आना शुरू हो गया है तो समझो ये संकेत है कि आपको घुटनों के दर्द से परेशानी हो सकती है। या आपके घुटनों में थोड़ी बहुत भी सूजन या लालिमा आपको दिखनी शुरू हो जाती है तो समझिए कि आपके घुटनों की परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे आपके घुटनों की ग्रीस जो है वो कम होनी शुरू हो गई है, वो भी सिर्फ आपके जंक फूड खाने की वजह से। और ज़्यादातर जो आजकल हम रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं वो भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है घुटनों की दर्द का। जी हाँ, आजकल हर घर में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। कोई समय था जब देसी घी ही हमारे हिंदुस्तान में हर घर में इस्तेमाल होता था, पर जब से ये रिफाइंड तेल आया तब से इस समस्या ने और भी ज़्यादा गहन रूप ले लिया। आप पूरी दुनिया की वेबसाइट गूगल पर जैसे सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल होता ही नहीं है। उनको रिफाइंड ऑयल का नाम ही नहीं पता कि रिफाइंड ऑयल क्या होता है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है, नहीं तो बटर इस्तेमाल होता है, मक्खन इस्तेमाल होता है। रिफाइंड ऑयल का नाम ही गूगल में नहीं है। आप अभी गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए कि किसी भी देश में रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल होता है या नहीं। जितनी भी अगर फोटोग्राफ्स भी होंगी तो आपको हिंदुस्तान के ही रिफाइंड ऑयल की मिलेगी, बाहर के किसी भी देश में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ही नहीं होता, सिर्फ ऑलिव ऑयल या असली बटर का इस्तेमाल होता है या फिर किसी और तरह का ऑयल का इस्तेमाल हो सकता है, पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता भारत के अलावा। और जब किसी को भी घुटनों की दर्द से परेशानी होने लगती है तो वो सबसे पहला काम करता है कि डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से एक्सरे वगैरह और चेकअप कराने के बाद उसको डॉक्टर कहता है कि उसके घुटनों की ग्रीस जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। वो सब उसी का कारण है कि हमने रिफाइंड ऑयल और जंक फूड का इस्तेमाल किया है। और डॉक्टरों के पास इसकी कोई मेडिसिन नहीं है सिवाय पेन किलर्स के। वो आपको पेन किलर देंगे और आपको राहत मिल जाएगी, और जब तक आप पेन किलर खाते रहेंगे आपको राहत मिलती रहेगी, और जैसे ही उस दवा का असर खत्म हुआ आप फिर वहीं उसी घुटने की दर्द से दोबारा परेशान हो जाएंगे। फिर आपको धीरे धीरे उस दवा को हमेशा खाना पड़ेगा, जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आप गूगल भी करके देख सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी के बाद पेन किलर या फिर ऑपरेशन के द्वारा नए घुटने बदल देने के अलावा और दूसरा कोई इलाज नहीं है। पर हमारी नेचुरोपैथी में, हमारे आयुर्वेद में इसका सच में इलाज है, और वो बहुत ही आसान। और सिर्फ ये प्रक्रिया 2 मिनट वाली घुटनों के दर्द के लिए ही नहीं है, ये अगर आपकी
और भी कहीं पर दर्द है, कहीं आपकी एड़ी में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, या आपके कंधे में कहीं पर भी दर्द है, तो ये वाला फॉर्मूला आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, अब आपको इसका इलाज भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक बाल्टी में आप पानी भर लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए आप, जैसे कि घड़े का पानी होता है। जो आप फ्रिज का पानी होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो कम ठंडा होता है। हमें थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए, जैसे कि घड़े का पानी होता है। तो हमने क्या करना है, आप कोई सा भी कॉटन का या कोई सा भी हैंकी, रुमाल, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं। उसको दो कपड़े आपने लेने हैं, उन दोनों कपड़ों को आपने पानी में इस तरह से भिगोना है और अपने घुटनों पर इस तरह से रख देना है। आपने कपड़ा इतना लेना है कि लगभग आपके जो पूरे घुटने हैं वो गीले रहें, कम से कम 2 मिनट के लिए। ये प्रक्रिया आप 2 मिनट में 4 बार करेंगे। बार बार आप पानी में इस कपड़े को भिगोएंगे और फिर अपने घुटनों पर रख देंगे। जी हाँ, जब 2 मिनट हो जाएं तब आपको बताता हूँ मैं कि क्या करना है। जब ये 2 मिनट तक आप ये प्रक्रिया कर लें, तब आपको जाना है थोड़ा सा वर्कआउट के लिए पार्क में। और ध्यान रखिए, को आपको शॉर्ट्स में नहीं जाना, आपको कोई सा भी कपड़ा पूरी टांगों पे पहन कर जाना है। आपने निक्कर या कोई शॉर्ट पहन कर नहीं जाना, और आपको कम से कम 15 मिनट तेज वॉक करना है, या अगर थोड़ा थोड़ा आप दौड़ भी सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं तो वो भी करें, नहीं तो थोड़ी सी तेज आप चलिए, ताकि आपके जो घुटनों पर ठंडक पहुंची है अब वो थोड़े से गर्म होने शुरू हो जाएं, आपका घुटना थोड़ा सा जो है वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हमने जो मसल्स को थोड़ा सा ठंडा किया था 2 मिनट पानी में, उन मसल्स को हमने नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा उनको हीट देनी है। और अगर कोई व्यक्ति इसमें सक्षम नहीं है कि वो टहलने जा सके या बाहर घूमने जा सके, उसके घुटनों में ज़्यादा दर्द है, तो वो इतना कर सकता है कि इसके बाद किसी गर्म कपड़े से या किसी कंबल से अपने घुटनों को लपेट ले, या एक बैंडेज आती है जो आपको केमिस्ट की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जिसे हम गर्म पट्टी के नाम से भी जानते हैं, उस गर्म पट्टी को आप घुटनों पर लपेट कर और कम से कम आधे घंटे के लिए लेट जाएं। ये भी वही आपको काम करेगा, ये भी तो आपके घुटनों में नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा थोड़ा सा आपको हीट प्रोड्यूस करेगा, जो आपके घुटनों की दर्द को ठीक करने में सहायक होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो काम इतनी मेडिसिंस नहीं कर पाई, ये 2 मिनट की प्रक्रिया ये उसको कैसे ठीक कर सकती है, तो आपको मैं इसका साइंटिफिक रीज़न भी बता देता हूँ। किसी भी जगह पर दर्द होने का सीधा सा एक कारण है कि वहाँ पर आपका ब्लड फ्लो जो है वो कम है, वहाँ पर उस जगह पर आपका ब्लड पूरी अच्छे ढंग से फ्लो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस हो रही है। और जब आप नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा पानी अपने उस जगह पर डालते हैं, तो हमारी ब्लड वेसल जो है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। आपने अक्सर स्पोर्ट्समैन को भी देखा होगा कि जब उसको कहीं पर भी चोट लग जाती है और थोड़ा बहुत भी दर्द महसूस होता है, तो वो कोच उनको बर्फ़ की सिकाई करने की सलाह देता है। ये भी इसी तरह का एक फॉर्मूला है दर्द को कम करने का, क्योंकि जब हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्टैक्ट हो जाती हैं तो वहाँ का ब्लड हमारी छोटी नसों में चला जाता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए जब वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी आती है, तो शरीर का बाकी हिस्से का ब्लड जो है उसका फ्लो उस जगह पर बढ़ जाता है, और उस जगह पर नया ब्लड आना शुरू हो जाता है, और पहले वाला ब्लड जो सिकुड़ कर छोटी नसों में गया है, उसके साथ उसमें मौजूद टॉक्सिन्स जो हैं वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर दर्द था वहाँ पर नया ब्लड आ गया। इसी तरह से ये पैथी काम करती है, और ये फार्मूला आपके घुटनों के अलावा शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम है, यानी कि ब्लड कम पहुँच रहा है, तो आपको वहाँ उस जगह पर ब्लड का फ्लो जो है वो ज़्यादा करना है, ताकि वहाँ पर नया ब्लड पहुँच सके, और नया ब्लड पहुँचते ही आपको दर्द से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये काम करेगी, पर एक बार इसका
प्रयोग करके जरूर देखिएगा। आपका कोई पैसा लगने वाला तो है नहीं, बस एक बार इसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तब आप और भी लोगों को ये बात बताएंगे कि बिना पैसों से भी घुटनों के दर्द या शरीर में कहीं भी दर्द है उसका इलाज नेचुरोपैथी से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले आप जिनको भी घुटनों का दर्द से परेशानी है वो इसका इस्तेमाल करिए, और अगर उनको कुछ ही दिनों में, सिर्फ दिन में 2 मिनट अपने घुटनों पर ये प्रक्रिया करने के बाद अगर आपको असर मिलता है तब और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इस फॉर्मूले का लाभ मिल सके और घुटनों की दर्द से राहत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।